क्यों सोमन चतुर्वेदी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। सो नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, ठीक ठीक। मैं तो एक स्टाफ गैप अरेंजमेंट के तहत, चूंकि परसों चतुर्वेदी जी का फोन आया कि आपको कुछ कहना है और चिंतक जी का आदेश था, तो मैं तो बाहर था। बेसिकली अभी भी मैं नैनीताल में हूँ और कसार में और कैफे में बैठ करके ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो रात में मेरे पास कोई पुस्तक तो नहीं थी बहुत, लेकिन फिर भी जो पुराने पढ़े हुए अनुभव थे उसके आधार पर मैंने कहा एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ज्योतिष का प्रेडिक्शन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, एक द्रुह वर्क है, और किसी को आप मार्ग प्रशस्त करते हैं उसके सपनों को साकार करने के लिए। ऐसे में हमको बहुत ही समझ करके किसी भी प्रेडिक्शन को करना होता है। और आजकल आजकल बहुत सारे नोट्स मिलते हैं, बहुत सारी किताबें मिलती हैं जो कंफ्यूजन बहुत करती है। इसमें जो कंफ्यूजन है, बेसिकली इन चीजों को दूर करने के लिए, और हमने देखा है कि लगभग ऑल रूल्स आर फुल ऑफ अल्टरनेटिव्स जो माइंड को कंफ्यूज करती है। ऐसे में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिसर्च वर्क इज द वनली इंपॉर्टेंट। जब हम रिसर्च वेरियस सही हॉरोस्कोप पर, हम लोग रिसर्च में देखे हैं कुछ लोग पुरानी कुंडलियों को लेते हैं जिसका डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ का आधार नहीं होता है, वो हमारे रिसर्च को बहुत सही नहीं करता है। ऐसे में हमको अगर अपने लोगों की कुंडलियों को देख करके और सही डाटा के साथ, क्योंकि जो डाटा है इनपुट है उसी का आउटपुट हमको निकालते हैं। और अभी सतीश शर्मा जी जैसा बता रहे थे, हम लोग वर्ग कुंडली में D60 तक जाते हैं। D60 में ज्योतिष इतना विशद और वैज्ञानिक विषय है, और प्रेडिक्शन आपको जो करना है कि एक फोर्टियस से दो बच्चे हैं या दो फोर्टियस से एक बच्चे हैं, ट्विंस के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में आजकल के वैज्ञानिक युग में इनपुट हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंस, और जितना ही इनपुट सही होगा हमारा प्रेडिक्शन सही होगा। दूसरी चीजें, हमारा मानना है कि प्रेडिक्शन के लिए जो मैंने टॉपिक भी आज लिया है, बेसिक लघु पराशरी के एक श्लोक को लिया है। हम लोग अपने क्लासिकल टेक्स्ट के और श्लोकों को, जिसका विषय संस्कृत है, उसके शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता होती है, और फिर उन्हीं टेक्स्ट के बेस पर हम आगे के रिसर्च को कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बीच में, तमाम हमारे एस्ट्रोलॉजी को पॉल्यूट करने के लिए तमाम तरह की जानबूझ करके भी कुछ पुस्तकें आई हैं मेरे नॉलेज में, मैंने देखा भी है उनको। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करके, अपनी प्रयोगशालाओं में टेस्ट करके फॉर्मूले दिए हैं, ऐसे फॉर्मूलों को हमको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग बेसिकली बहुत अधिक, मैं एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन थोड़े विषय का विद्यार्थी अभी शुरू कर रहा हूं, चिंतक जी का शिष्य हूं, इस कारण से थोड़ा सा बीच बीच में मुलाकात होने से थोड़ी बहुत ज्योतिष के बारे में बोलना या कहना या क्लास लेना सीख गया हूं। मैं ये देखता हूं नॉर्मली जो टॉपिक आज लिया मैंने, जो हमारे स्पेशल योग है राजयोग। अभी पिछले लेक्चर में भी चर्चा हुई राजयोग, राजकार्य और राजयोग, राजा बनना, दोनों में क्या अंतर है, आपकी कुंडली में किस तरह के संबंधों से राजा बनेंगे और
राजा का कार्य करेंगे। ये बहुत स्पष्टतः समझने के लिए हम लोग अपने पराशर ऋषि के सिद्धांतों को, सूत्रों को ही एक अच्छे ढंग से अगर समझें तो शायद प्रिडिक्शन के लिए इससे अच्छा उपाय हमारे पास नहीं हो सकता। क्लासिकल टेक्स्ट में नॉर्मली राजयोग बहुत साधारण सा विषय लगता है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह विदित है कि केंद्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड जब एक दूसरे से संबंध करते हैं तो राजयोग का निर्माण होता है। केंद्र के लॉर्ड 147-10 और ट्राइन्स लॉर्ड 159 के संबंधों को ही हम लोग देख करके राजयोग के बारे में बता देते हैं कि तुम तो राजा की तरह हो। लेकिन अगर आप देखें जो सर्वोत्तम राजयोग का श्लोक है, लघु पराशरी का 17वां श्लोक है, ये एक एक श्लोक के शब्दों को अगर ढंग से देखा जाए तो त्रिकोणाधि पयोर मध्य संबंधी एन केनचित केंद्र नाथस्य वल्लिनो योग कब होता है और इसमें संबंध की बात है त्रिकोण केंद्रनाथस्य। अब महत्वपूर्ण हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लिए हमारी समझ से पहले हम लोगों को संबंध समझ लेना चाहिए कि संबंध क्या है। हम लोग अगर कोई प्लैनेट एक दूसरे प्लैनेट को देखता है तो उसको हम लोग कह देते हैं उसका संबंध है या देख रहा है, जबकि क्लासिकल टेक्स्ट में संबंध की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से और अधिक नहीं, मात्र हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी इस चीज को निकालने की कोशिश की है, पॉइंट वाइज डालने की कोशिश की है कि संबंध क्या है। संबंध पहले संबंध दो ग्रह संबंध कब करते हैं, बेसिक डेफिनेशन हम संबंध की तरफ जाते हैं, क्षेत्र संबंध या स्थान विनिमय संबंध, हम आपके घर में मेरे घर में, वन इन अनदर साइन वाइस वर्सा, क्षेत्र संबंध है। और क्षेत्र संबंध किसी भी संबंध से बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरा दृष्टि संबंध, दृष्टि के माध्यम से संबंध होता है, दृष्टि का मतलब पूर्ण दृष्टि होती है। बहुत सारी पुस्तकों में आधी दृष्टि चौथाई दृष्टि इत्यादि का वर्णन मिलता है, लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट में हमको कहीं पराशर की किताबों में नहीं मिला। तो दृष्टि संबंध मेरे हिसाब से दृष्टि अगर है तो वो पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, पूर्ण संबंध जिसको संबंध कहेंगे। स्थान दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध किसी भी ग्रह को जो उसकी अधिकृत राशि है उसको उसका स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। किसी ग्रह को उसकी अधिष्ठित राशि का स्वामी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो वो स्थान दृष्टि संबंध। और चौथा है सहावस्था। तो इसको हम लोग समराइज कर सकते हैं कि संबंध कब बनता है, चार है, क्षेत्र दृष्टि स्थान दृष्टि और सहवस्थान। सहवस्थान का मतलब एक साथ स्थित है तो वो, और इसी प्रायोरिटी में हमने स्क्रीन पर डाला है कि नंबर 1, 2, 3, 4 इसी प्रायोरिटी में उसको आप बेटर मान सकते हैं। अब संबंध की बात हो गई, दो ग्रह त्रिकोण को त्रिकोणेश और केंद्रेश के संबंध की हम बात कर रहे हैं कि त्रिकोण 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 का त्रिकोण इज 159 वन दैट इज लग्न दैट इज त्रिकोण आल्सो एंड दैट इज केंद्र आल्सो केंद्र, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। और हमारे यहां भाव के मामले में अगर कहा जाए तो 159
record what 4, 7, 10 केंद्र के स्वामी केंद्राधिपति दोष से पीड़ित होते हैं, त्रिकोण के स्वामी हमेशा अच्छे होते हैं, सेकंड एंड ट्वेल्थ के लॉर्ड्स दे आर न्यूट्रल, एट्थ नाइन्थ का ट्वेल्थ होने के कारण उसके साथ माइनस पॉइंट है। अब हम जब केवल ये देख लेते हैं कि एक केंद्र का स्वामी दूसरे त्रिकोण के स्वामी से संबंध कर रहा है तो हम लोग राजयोग की बात कर देते हैं। अब क्या वो केंद्र का स्वामी जो कई कंडीशन होती है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो, लग्न या 5 और 9 में हो, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, आइडियल कंडीशन है। ऐसी स्थिति में इफ बोथ साइंस आर इन केंद्र एंड त्रिकोण, दैट इज वेरी आइडियल कंडीशन। उस कंडीशन में ये श्लोक अपूर्णतया इसको लागू कर सकते हैं और कह सकते हैं ये सुयोग कृत राजयोग है। किंतु अगर किसी भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी 3rd, 6th, 8th, 12th हाउस में है तो क्या सेम परिणाम देगा? इफ लॉर्ड्स ऑफ प्राइंस एंड केंद्रास आर फॉलोइंग इन केंद्रा एंड त्रिकोण, दैट इज वेरी गुड राजयोग, प्रभावी है। और त्रिकोण और केंद्र अगर 3, 6, 11, 3, 6, 11 एंड 2nd, 8th, 12th में है तो उसका प्रभाव जो पहले का प्रभाव है उसकी तुलना में कंपैरिजन में कम हो जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि हम किसी भी हॉरोस्कोप को देख करके ये कैसे डिसाइड करें, कैसे निर्णय लें कि वो कितना बल उसका कम हो गया। कोई अगर केंद्र का लॉर्ड है 1, 4, 7, 10, वो 3 का लॉर्ड है 3rd हाउस का तो क्या फर्क पड़ेगा? 6th का लॉर्ड है या 11 का लॉर्ड है, 3 क्या एक मान का इफेक्ट है या 3rd में रहने से दूसरी राशि 6th में रहने से और 11 तीनों में अंतर है, या दूसरी राशि अगर 2nd का है या 12th में तो क्या फर्क है, 8th में है तो क्या फर्क है? और कितना है बेसिकली क्वांटिफाई करना, हम लोग कम होगा रिड्यूस होगा लेकिन क्वांटिफाई कैसे करते हैं इसके लिए कहीं हमको मिला और वो ठीक भी लगा तो मैं आज आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूं। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरह, अगर हम एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान और मैथमेटिक्स की तरह स्टडी करने लगे तो शायद बहुत इजी हो जाएगा और किसी भी सूत्र को उसके सही शब्दों की व्याख्या, क्योंकि हमने देखा है आजकल गूगल में या बहुत सारी किताबों में हमारे संस्कृत के शब्दों का मीनिंग बहुत ही गलत लिखा गया, अपने हिसाब से लिख दिया गया है। तो ऐसे में हमको बेसिक रूप से शब्दों की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एस्ट्रोलॉजी की व्याख्या संस्कृत में ही है। संस्कृत देववाणी है, देव भाषा है, इसलिए इसके शब्दों को जानने के लिए मुझे संस्कृत के शब्दों का अन्वय विश्लेषण बहुत ढंग से करना होता है, तभी यह भाषा या विषय हमारी समझ में आएगा। और मेरा मानना है जब तक हम क्लासिकल फार्मूले को, क्लासिकल टेक्स्ट को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, ज्योतिष हमारी समझ में नहीं आ सकती। अगर वास्तव में हिंदुस्तान की ज्योतिष को बढ़ावा देना है तो हमको ये अपने क्लासिकल टेक्स्ट को और संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों से करनी होगी। अभी अब इसमें इसलिए कह रहे हैं कि अब इसमें एक शब्द मैंने देखा अभी तक हम लोगों के नॉलेज में था, जब श्लोक को पढ़े तो इसमें केंद्रनाथस्य बलिनो, अब बलि केंद्रनाथ की बात आ गई,
अब बलि केंद्रनाथ कैसे व्याख्या हो, बलिनो केंद्रनाथस्य, इतना आसान भी नहीं कि हम एक शब्द में कहें कि दसवां हाउस ही केंद्र में सबसे बड़ा है, क्यों है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। और बलिनो केंद्रनाथस्य कहने का मतलब अगर यही होता तो दसवें स्थान की सीधी बात करते पराशर जी, लेकिन हो सकता है दसवां स्थान ही हो, क्यों है बलिनो केंद्रनाथस्य, बलिनो क्यों है, बलवान केंद्रेश की ही बात कर रहे हैं कि बलवान केंद्रेश होना चाहिए। बलवान केंद्रेश यदि त्रिकोणेश से संबंध करता है तो वो सर्वोत्तम राजयोग होगा। अब यहां पर हमको बलवान केंद्रेश के लिए क्या कर सकते हैं, बलवान केंद्रेश के लिए वे भावेशत्व की दृष्टि से भी बलि हो, वो भी हो सकता है, जो भावेशत्व की दृष्टि है उससे बलि, या भाव की दृष्टि से बलि, या जहां वो पोजिटेड है अपनी स्थिति में कब बलि हो सकता है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि वो भावेशत्व की दृष्टि से बलि है या भाव की दृष्टि से बलि है या अपनी स्थिति से बलि। अब इन चीजों को हमको माइन्यूट कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कोई ग्रह किस क्रम में बलि होता है, कोई ग्रह का ग्रह को निर्धारण, ग्रह का निर्धारण करना है किसी पर्टिकुलर स्थान में है, वो उच्च में है, नीच का है, अस्त का है, इत्यादि अवस्थाओं में है, तो क्या वो बलि है, या टेंथ का लॉर्ड या लग्न का लॉर्ड है तो इस कारण से बलि है, फोर्थ का लॉर्ड सेवेंथ का लॉर्ड बलि क्यों नहीं है, तो एक बार निकालना पड़ेगा। और अपनी स्थिति से बलि कहां पर पोजिटेड है, एक राजयोग की व्याख्या में गलती है, हम लोग नॉर्मली राजयोग की बातें कर लेते हैं, नॉर्मली ग्रह बलि, कोई ग्रह केंद्रेश मान लीजिए केंद्रेश उच्च है, क्या उसको बलि मान लेंगे, या मूल त्रिकोण में है, केंद्रेश मूल त्रिकोण में है तो बलि मान लेंगे, स्वग्रही है, या वर्गों में बलि है जैसा कि अभी पिछले लेक्चर्स में चल रहा है, तो क्या उसको बलि मान लेंगे पराशर ऋषि के अनुसार। ये हमने कहां पर इसको देखा कि किसको बलि माना जाए, और केंद्रेश और त्रिकोणेश के संबंध में केंद्रेश के क्या दोष है जो उसके प्रभाव को कम करते हैं, केंद्र के लॉर्ड त्रिकोण के लॉर्ड से संबंध करें, बहुत इंपॉर्टेंट में राजयोग मिल जाएगा, कोई भी हो आप छोटे से छोटे अधिकारी कुंडली देखें राजयोग मिल जाता है, लेकिन उस राजयोग को फलित राजा बनेगा, राजकर्म करेगा, केंद्रेश जो केंद्र है, लॉर्ड ऑफ केंद्रास जो केंद्र के लॉर्ड है, उसमें क्या दोष है और उस दोष से उसमें कितनी न्यूनता कितनी कमी हो रही है। केंद्रेश दोष हम सभी लोगों को मालूम है, अगर शुभ ग्रह है तो केंद्राधिपति दोष कहते हैं, नॉर्मली शुभ ग्रह है तो स्वयं शुभ ग्रह है तो उसमें एक दोष आ गया, या उसकी दूसरी राशि जैसा भी डिस्कस किया 3, 6, 8, 11, या वो केंद्रेश स्वयं 3, 6, 11 में स्थित हो, या 3, 6, 8, 11 के स्वामियों से केंद्रेश का संबंध हो, नीच हो, अस्त हो, या शत्रु क्षेत्र में हो, तो इस तरह से केंद्रेश के और इसी तरह त्रिकोणेश के दोष है। तो हम
त्रिरेश और त्रिकोणेश के दोष की गणना कर, उस गणना को करके देखे किस लेवल तक जाता, उसकी क्वांटिफाई कैसे करेंगे, उसको क्वांटिफाई कर ले भाई। न्यून तो हो गया, केंद्रेश का दोष आ गया, मान लीजिए शुभ ग्रह है या दूसरी राशि 3, 6, 8, 11 में गई है, उसकी राजयोग का फल न्यून हो गया, कम हो गया, लेकिन किस लेवल तक कम हुआ। इसको हम लोग मैथमेटिकली अगर देखेंगे तो जैसा लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, गलतियां हैं इसमें, प्लीज डोंट टेक इट, रात में बनाया है, गलती हो सकती है। लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश को अगर +1, +2, +3, +4 जैसा हम लोग पीछे जो भी पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, उसमें यही है कि दशमेश सबसे अच्छा होता है, हमने भी माना। लग्नेश और पंचमेश और नौमेश हमेशा ही अच्छे होते हैं, तो इनको पॉइंट +2 और +4 दे। थर्ड लॉर्ड को अगर आप पॉइंट -1, -6, -2 और 11th लॉर्ड को -3 दे, 8th लॉर्ड को -6 क्योंकि आपके सारे धर्मों का नाश कर देता है, सबसे नुकसानदायक। 2nd लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो जिसके भी साथ होते हैं उसके गुरुत्व को ग्रहण करते हैं। ये पराशर ऋषि अपने पूर्व के श्लोकों में कह चुके हैं। तो इसलिए 2nd और 12th लॉर्ड को पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं माने, उनको 0 पॉइंट दिया। अब अगर आप एरीज असेंडेंट को लें, मेष लग्न में थोड़ी देर के लिए केंद्र और के संबंध में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मोर देन आई थिंक 35। नौमेश सप्तमेश, नौमेश चतुर्थेश, नौमेश पंचमेश सप्तमेश, पंचमेश चतुर्थेश, पंचमेश दशमेश, पंचमेश लग्नेश, लग्नेश दशमेश, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको त्रिकोणेश और केंद्रेश के राजयोग में मिलेंगे। मैं जैसे एरीज एसेंडेंट की बात कर रहा हूं, हम लोगों को एक रेडी रेक्टर बना लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत कभी नहीं बदलते। सिद्धांत जो पराशर ऋषि ने अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिया है वो हमारे लिए वेद वाक्य है, अपौरुषेय है, उस तक हम नहीं पहुंच सकते। हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार उसकी व्याख्या जरूर की जा सकती है, और वो हम लोग बहुत सारे रिसर्च वर्क से कर सकते हैं। मेष लग्न में हम सभी को मालूम है 5th लॉर्ड सन, त्रिकोण हमेशा ही अच्छे हैं, 1, 5, 9, वो निर्दोष, उसमें कोई दोष नहीं हुआ। 10th लॉर्ड अगर 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड शनि और सूर्य का योग बन रहा है, तो क्या वो योग पूर्ण रूप से सफल होगा, इसको हमको देखना है। तो जैसा 5th लॉर्ड देखा, कंप्लीट निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, दोष रहित है, और 10th लॉर्ड जो है 11th लॉर्ड भी है, 11th लॉर्ड नेगेटिव है, उसके अपने पॉइंट्स दिए गए 11th लॉर्ड के, तो दोष युक्त हो गया, सदोष हो गया। अब जब एक निर्दोष त्रिकोण का सदोष केंद्रेश का संबंध होता है, तो क्या स्थिति आती है, उसको अगर मैथमेटिकल करें तो हमारे हिसाब से +3 पॉइंट मिलता है। अगर आप जो भी यूनिट ले लें, 20 का ले लें, 15 का ले लें, उस यूनिट में देखें, तो एरीज एसेंडेंट में सूर्य और शनि का संबंध
जैसा कि उन चारों में से कोई भी संबंध हो रहा है तो हम राजयोग कह देंगे। और सूर्य और शनि की महादशा अंतरदशा आने पर उसके फल की बात करते हैं कि वो कितना फल क्वांटिफाई कैसे होगा। उसके लिए अगर मैथमेटिकल देखें तो केवल प्लस 3 के पॉइंट निगेटिव नहीं है लेकिन बहुत अधिक बली भी नहीं है। तो हमको ऐसे में उस योग उस राजयोग से बहुत अधिक अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए वृष लग्न को देखिए, फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ और टेंथ के कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। फिफ्थ लॉर्ड जो कि सेकेंड का लॉर्ड है, सेकेंड लॉर्ड न्यूट्रल है और वो जिससे भी संबंध करेगा उसके गुणदोष को ले लेता है। त्रिकोण हमेशा ही अच्छे हैं पराशर ऋषि के अनुसार। तो फिफ्थ लॉर्ड निर्दोष हुआ क्योंकि सेकेंड लॉर्ड को 0 पॉइंट दिया है, वो न्यूट्रल है। मार्केश का जरूर लगता है, मार्केश का भी इसमें सेकेंड लॉर्ड में बात आ सकती है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आगे करेंगे। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड सेकेंड लॉर्ड अभी मात्र केवल न्यूट्रल है तो मान के चलते हैं मरकरी निर्दोष बुध। और टेंथ लॉर्ड के साथ अगर संयोग करता है, संबंध बनाता है तो टेंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, शायद राजयोगों में नाइन्थ और टेंथ के लिए स्पेशल श्लोक दिया गया कि 16वां श्लोक है लखपराशरी में कि अगर नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड के संबंध हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो नाइन्थ लॉर्ड टेंथ लॉर्ड सैटर्न वो योग कारक भी है, सैटर्न और इसमें योग कारक के लिए पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कर्क लग्न की कुंडली में मंगल को देख सकते हैं, त्रिनेश भी है केंद्रेश भी है, फिफ्थ का लॉर्ड है और टेंथ का लॉर्ड है, उसको एक अलग अपने आप में मंगल कर्क लग्न के लिए एक योग कारक है, सिंह लग्न के लिए योग कारक है। उसी तरह वृष लग्न के लिए शनि एक योग कारक है, वो भी बहुत प्रबल योग कारक है क्योंकि नाइन्थ और टेंथ लॉर्ड दोनों निर्दोष हुआ। अब जब मरकरी और सैटर्न का वृष लग्न में संबंध होगा, सैटर्न योग कारक भी होने के कारण उसके पास एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो टोटल पॉइंट्स अगर आप उसको लेंगे मैथमेटिकल तो दैट विल गो टू 17 पॉइंट, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड भी निर्दोष हो गया सेकंड लॉर्ड के कारण, मारक की बात बाद में मारक को भी छोड़ दिया है, टेंथ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड होने के कारण सैटर्न एक योग कारक है वृष लगने के लिए, और योग कारक के लिए अलग से पॉइंट उसको हमने 7 पॉइंट रखा है। तो आप इस तरह देखेंगे कि 10 पॉइंट तो संयोग से, और चूंकि शनि का योग कारक उसमें है और शनि को ऑलरेडी 7 पॉइंट दिया तो टोटल 17 पॉइंट्स लेकर के टॉरस में अगर वृष लग्न की कुंडली में हमको नजर आता है कि शनि और बुध का संबंध है, दृष्टि संबंध, क्षेत्र संबंध या स्थान दृष्टि संबंध या एक साथ है, तो हम बहुत आसानी से एक अच्छे राजयोग की बात उन दोनों की दशा अंतरदशा आने पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी लग्नों के लिए एक कैलकुलेशन करके रेडी रेकनर बना करके रख लेते हैं। फॉर तीसरे के लिए जेमिनी में मैंने देखा फिफ्थ लॉर्ड है ट्वेल्थ लॉर्ड, जैसे सेकंड और ट्वेल्थ दोनों न्यूट्रल होने के कारण संबंध फिफ्थ लॉर्ड निर्दोष हो गया, टेंथ लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड भी केंद्रेश जुपिटर, केंद्रेश का अपने आप में एक अलग केंद्र अच्छे प्लैनेट स्वयं शुभ ग्रह होने के कारण केंद्रेश का एक दोष आता है तो उसकी न्यूनता हो जाती है। ऐसे कंडीशन में आप पॉइंट देखेंगे तो जेमिनी में अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों गुरु हैं, देवताओं के गुरु और राक्षस के गुरु एक साथ हैं, दोनों में शास्त्रार्थ होता रहता है,
अगर एक साथ हैं तो अच्छे राजयोग अच्छी बातों की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन यहाँ पर उसके तुलना में अगर देखें वृष लग्न की तुलना में जो शनि और बुध बना रहे हैं, शुक्र और बृहस्पति मिलकर के नहीं बना रहे, जबकि बृहस्पति और शुक्र दोनों बहुत अच्छे प्लैनेट बन जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल, एक चीज और आवश्यक है, संबंध होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट तो है कि संगम संबंध दोनों प्लान जो प्लैनेट केंद्रेश और त्रिकोणेश एक दूसरे से संबंध बना रहे। अगर जैसे इलस्ट्रेशन में ये कुंडली मैंने ली पुरानी किताबों से ली हुई है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बताई गई है, मुझे नहीं मालूम है आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जो किताबों से मैंने निकाल के डाला है, लग्नेश लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड बृहस्पति, लग्नेश और चतुर्थेश बोथ आर जुपिटर एंड पोजिटेड इन स्ट्रॉन्ग ट्राइन, नाइन्थ हाउस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइन। नंबर दो लॉर्ड ऑफ सेवेंथ दैट इज बुध एंड लॉर्ड ऑफ टेंथ, बोथ आर बुध, लॉर्ड ऑफ सेवेंथ एंड लॉर्ड ऑफ टेंथ, दिस बुध इज ऑल्सो पोजिटेड इन केंद्रास, लग्न में पोस्टेड है। अब देखिए केंद्रेश, दोनों केंद्रेश एक त्रिकोण, लग्न को त्रिकोण भी मानते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिकोण भी है और स्क्वायर आपका केंद्र भी है, केंद्र और त्रिकोण दोनों का समन्वय केवल लग्न में है। तो अब केंद्रेश बुध केंद्रेश होकर के लग्न एक त्रिकोण में बैठा हुआ है और लग्नेश और चतुर्थेश केंद्रेश होकर के त्रिकोण स्ट्रॉन्गेस्ट त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो अपने आप में ये कुंडली जो पहली बात हमने बताई थी कि अगर अच्छे प्लैनेट केंद्रेश और त्रिकोणेश केंद्र और त्रिकोण में ही हो तो सर्वोत्तम रिजल्ट है। दूसरी चीज अब देखें लॉर्ड ऑफ फिफ्थ त्रिकोण, अगेन त्रिकोण का लॉर्ड, पांचवें हाउस का लॉर्ड एक लग्न में यानी केंद्र में, यह भी एक अजोग का निर्माण किया। इसमें एक विशेषता यह है कि ऑल लॉर्ड्स ऑफ केंद्र और हैविंग संबंध विद त्रिकोण, या सभी त्रिकोणेश का संबंध केंद्रेश केंद्र से है, केंद्रेश का संबंध त्रिकोण से है और त्रिकोणेश का संबंध सभी ऑल, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग कारक राज के राजयोग के मामले में कही जा सकती है। दूसरी कुंडली में कुछ चीजें मैं स्पेशली इसलिए लिया हूं, लग्नेश लॉर्ड बृहस्पति, लग्नेश एंड लॉर्ड ऑफ टेंथ बृहस्पति, पांचवें त्रिकोण में पांचवें भाव में है बृहस्पति, और बृहस्पति उच्च का बृहस्पति कर का बृहस्पति पांचवें भाव में, एक उत्तम राजयोग का निर्माण दशमेश लग्नेश पंचम भाव में, और दशमेश और लग्नेश उच्च का अपना अपने आप ही एक अलग है, तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण यहां किया। दूसरा लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस मंगल, आप देखें केंद्र में चतुर्थ भाव में एक त्रिकोण का स्वामी केंद्र में एक अलग, तीसरा लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस दैट इज मंगल आपका चतुर्थ भाव में हो गया, ठीक है, अलग एक केंद्रेश आपका चतुर्थेश और दशमेश सप्तमेश वो बुध है, बुध कहा गया, बुध आपका सारे केंद्रेश की मैं बात कर रहा हूं, बृहस्पति उच्च का हो गया दशमेश और केंद्रेश, दूसरा
बुध दूसरे भाव में जाके संभाव का हो गया, मतलब इसके केंद्रेश या तो बहुत उच्च के हो गए या संभाव में हो गए, निगेटिविटी नहीं आई। दिस इज अ गुड राशि, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये जो ग्रह इसमें है जो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, बृहस्पति और चंद्रमा जैसे, मंगल बुध मंगल, आपस में संबंध कहीं नहीं बन रही। राजयोग का निर्माण किया, बहुत अच्छे राजयोग का, लग्नेश दशमेश पंचम भाव में उच्च का, त्रिकोणेश नाइन्थ हाउस का लॉर्ड मंगल केंद्र में, किंतु केंद्रेश जो है बुध या बृहस्पति, ये दोनों का संबंध बुध या बृहस्पति का कहीं भी पंचमेश चंद्रमा या नौमेश मंगल से नहीं है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संबंध नहीं है, जो संबंध की बात मैंने पहले इसीलिए किया था कि दोनों के बीच में, केंद्रेश और त्रिकोणेश के बीच में म्यूचुअल रिलेशन नहीं है। अतः आप देखेंगे टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट नहीं, ये दो केंद्रेश और त्रिकोणेश, केंद्र में होना कोण में होना, एक राजयोग निर्माण कर रहा, इसमें कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं। किंतु अगर केंद्रेश का संबंध त्रिकोण से, त्रिकोणेश से, या त्रिकोणेश केंद्रेश का आपस में नहीं है, यहां पर केंद्रेश हमारे बुध और बृहस्पति, बुध और बृहस्पति का संबंध कहीं भी चंद्रमा या मंगल से नहीं हो रहा, अतः वो राजकार्य कैसे करेंगे, राजा कैसे बनेंगे, इसके बारे में राजयोग शब्द जरूर है, विद्वता अपनी अलग है। लग्नेश और दशमेश पंचम भाव में उच्च का, बृहस्पति उच्च का है, वो भी बृहस्पति उच्च का एक अलग व्याख्या करते हैं। किंतु राजयोग के समय हम लोग भविष्यवाणी करते समय संबंध के बारे में कि केंद्रेश और त्रिकोणेश की ये टेक्निक जरूर अप्लाई होनी चाहिए कि है कि नहीं आपस में म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन केंद्रेश एंड त्रिकोणेश, मस्ट बी देयर। ये मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहता हूं जो हमारे सामने आई है, राजयोग से इसी से संबंधित, कहां पर अच्छे राजयोग हो रहे हैं, कहां नहीं हो रहा है, कहां क्या प्रॉब्लम आ रही है। इस कुंडली में 10th लॉर्ड दैट इज मार्स, 10th लॉर्ड इज मार्स, उसकी दूसरी राशि पंचमेश, अपने आप में त्रिकोण होने के कारण और मार्स केंद्रेश होने के कारण नो डाउट योग कारक प्लैनेट, कर्क लग्न है, योग कारक प्लैनेट है, एक अलग स्पेशल पॉइंट लिए हुए, निर्दोष है ये, अपने आप में एक योग कारक है, पंचमेश और दशमेश एक साथ संभाव में है, अपने आप में ये कुंडली एक अलग व्याख्या करती है मंगल दशम भाव। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं आगे जाना चाहते, हम केवल राजयोग की बात कर रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा वृष में अपने मूल त्रिकोण की राशि में स्थित है और मूल त्रिकोण की राशि में स्थित होने पर चंद्रमा फिफ्थ के लॉर्ड, नाइन्थ के लॉर्ड बृहस्पति से संबंध भी बना रहे हैं। यहां पर चंद्रमा, चतुर्वेदी जी अभी कितना समय, अभी आप हार्डली 4-5 मिनट्स हार्डली कंक्लूड कर रहा हूं बस। ओके बस मैं कंक्लूजन की तरफ हूं चतुर्वेदी जी। हेलो, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू ओके थैंक यू सर। अब इसमें बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, संबंध बन रहे हैं, नकलेश मूल त्रिकोण का है, तो ये एक उच्च राजयोग की बात कर सकते हैं। लेकिन नाइन्थ लॉर्ड साथ साथ सिक्स लॉर्ड भी है, इस कारण से यहां पर हमको अगर कैलकुलेट करके मैथमेटिकल कैलकुलेट किया जाए तो वो प्रभाव जो अभी हम बात कर रहे थे कि नाइन्थ लॉर्ड मूल त्रिकोण राशि में स्थित चंद्रमा को देख रहा है, शायद बृहस्पति और चंद्रमा की दशा अंतरदशा आने पर जैसा दिखता ऐसा परिणाम न हो, क्योंकि बृहस्पति नाइन्थ लॉर्ड भी है सिक्स लॉर्ड भी है। मैं दूसरी कुंडली पर स्किप करता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें आप देखेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी दिया है। इसको देखिए, लग्न में मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं, इसको लग्नेश सूर्य जो निर्दोष है, लग्नेश अपने आप में निर्दोष होता है, और फिफ्थ लॉर्ड जो बृहस्पति है, एट्थ लॉर्ड भी है। लग्नेश और फिफ्थ लॉर्ड का कॉम्बिनेशन राजयोग के लिए बहुत उत्तम है, किंतु इस लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए जो बृहस्पति है, ये अष्टमेश होने के कारण उसके प्रभाव में न्यूनता ला रहा है। इसी तरह लग्नेश और फोर्थ लॉर्ड को देखिए, लग्नेश तो निर्दोष है, फोर्थ लॉर्ड का मंगल और त्रिकोणेश है। अब सूर्य और मंगल की सहवस्थान से सूर्य जो संबंध बन रहे हैं, संबंध में संबंध भी लास्ट कैटेगरी का है, अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। मंगल और सूर्य जो संबंध स्थापित कर रहे हैं राजयोग की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, अच्छे। लेकिन इनको कैलकुलेशन करके, जैसा मैंने पीछे कहा है, पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर हम लोग आ जाएंगे। लग्नेश और नाइन्थ लॉर्ड भी बना रहे हैं, ये जैसा ऊपर बताया गया। तो अब आप चतुर्वेदी कहा, बहुत जल्दी कंक्लूड करना है, मेकिंग इट वेरी वेरी फास्ट। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ द राजयोगास, फिफ्थ हाउस फोर्थ हाउस का कॉम्बिनेशन या 30-35 कॉम्बिनेशंस, उसके अगर एवरी लग्न के हिसाब से हम लोग अगर एक रेडी रेक्टर के रूप में बना लें तो शायद राजयोग की व्याख्या करने में मैथमेटिकली हम लोगों को बहुत ही सहूलियत होगा और समझने में आसानी होगी। अब इसी कुंडली में जो नॉट गुड राजयोगा भी निकाला है, गुड राजयोगा भी निकाला है, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं चतुर्वेदी जी, प्लीज शेयर मत कीजिएगा, भी बहुत जल्दी में बना हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।